साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर, जिसमें आज हम बात करेंगे मौसम के हाल की, कहां होगी बारिश, कैसा रहेगा तापमान, वायु की गुणवत्ता और तमाम सारी बातें। फिलहाल शुरुआत करेंगे पांच बड़ी खबरों के साथ, आपके स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। सबसे पहली खबर आ रही है केरल से, जहाँ कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश की उम्मीद। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके स्क्रीन पर तमिलनाडु से आ रही है, जहाँ कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर देखते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां मंगलवार को कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका से, जहां मंगलवार को भारी बारिश का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार से है अगली खबर, जहां कहीं कहीं हो सकती है बारिश। तो इन पांच बड़ी खबरों के साथ हमने की अपने बुलेटिन की शुरुआत। आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। अब भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नजर आएगा, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाएगा। आइए देखते हैं कहां पर क्या चेतावनी है, कहां पर क्या सावधान रहने की जरूरत है। केवल दक्षिण की बात करें तो केरल और तमिलनाडु दो ही राज्य दिखाई दे रहे हैं जो पीले रंग से दर्शाए गए हैं, यानी कि वहां नजर बनाए रखने की जरूरत। कहीं कहीं तेज बारिश तो कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है इन दोनों ही राज्यों में। इसके अलावा भारतवर्ष में कोई भी चेतावनी नहीं है, यानी वहां पर सामान्य मौसम रहने की संभावना है। तमाम जो राज्य हैं और जो बाकी की केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर कोई अलर्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मौसम का पूर्वानुमान देख लेते हैं कि अगले 24 घंटे में कैसा रहने वाला है तापमान। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से, गिलगित, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। इन सभी उत्तरी राज्यों में सामान्य मौसम रहने की संभावना है। हालांकि जाड़ा बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ठंडक तो बढ़ रही होगी, हालांकि बारिश फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अब नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और उड़ीसा की बात करें तो इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम और अरुणाचल में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, ऐसा यहाँ का मौसम का पूर्वानुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि केरल में अनेक स्थानों पर जो है बारिश की संभावना है, जबकि रायलसीमा और भीतरी कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि भीतरी कर्नाटका और तेलंगाना में बारिश का फिलहाल कोई भी संकेत नज़र नहीं आ रहा है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें तो इस पूरे इलाके में बारिश का फिलहाल कोई भी पूर्वानुमान नज़र नहीं आ रहा है। अगले 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहने की यहाँ पर संभावना बनी हुई है, यानी कि जड़ा जो है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मौसम की चाल देखते हैं। पिछले 24 घंटे में यदि बात करें तो अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश दर्ज की गई है। तो ये पिछले 24 घंटे की मौसम की चाल जो हमने यहाँ पर आपके सामने साझा की। दक्षिण का रुख करते हैं, अंडमान निकोबार की बात करें, केरल, तमिलनाडु की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश, जबकि भीतरी कर्नाटक आकर की बात करें और हम लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। ये रही है मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में जो आपने अभी अपने स्क्रीन पर देखी। फिलहाल हम मौसम खबर में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत। मौसम खबर के इस बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं कि तापमान का हाल क्या रहा है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। हम यहाँ पर तमाम शहरों के तापमान की बात करेंगे। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर तापमान का हाल किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम न्यूनतम तापमान की बात करेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी राज्यों की बात करें तो सामान्य की तुलना में 3.15 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1.6-3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो राज्य है वो है मध्य महाराष्ट्र, जहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.15 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूनतम तापमान में अगला राज्य कौन सा है। पूर्वी राजस्थान का सीकर शहर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 10.5 डिग्री सेल्सियस है। आगे बढ़ते हैं, अधिकतम तापमान की बात करते हैं। उत्तराखंड देवभूमि की बात करते हैं तो सामान्य की तुलना में यहाँ पर 3.15 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में, देखते हैं पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, इन सभी इलाकों में 1.6-3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। सामान्य की तुलना में ये तापमान है। आगे बढ़ते हैं और लगभग पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में इन सभी इलाकों में 3.15 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो अधिकतम तापमान यहां पर सामान्य की तुलना में 3.15 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर गुजरात का वेरावल शहर दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 35.2 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हमने बात की अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। एक ग्राफिक के जरिए हम और जान लेते हैं भारतवर्ष के तमाम शहरों में क्या रहा तापमान का हाल, आइए देखते हैं। तो ये जाना आपने तमाम शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। फिलहाल हम मौसम खबर में रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ता बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत दूरदर्शन किसान में, आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ेंगे और इस सेगमेंट में हम अब शुरू करेंगे बात वायु की गुणवत्ता की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम कुछ शहर यहां पर लेकर आए हैं जिनकी वायु की गुणवत्ता का हाल जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर वायु की गुणवत्ता देखते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली, जिसकी
295 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि थोड़ा खराब है। आगे बढ़ते हैं, अगला शहर है पुणे, जहां पर 47 दर्ज की गई है, तो ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी श्रेणी में है वायु की गुणवत्ता पुणे शहर की। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पर 129 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं, अगला शहर है कोलकाता, जहां पर 70 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर देखते हैं आपके स्क्रीन पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, 175 यहां पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है पटना, जिसकी वायु की गुणवत्ता 95 दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है हैदराबाद, जिसकी वायु की गुणवत्ता 83 दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि बहुत अच्छी तो नहीं, अच्छी श्रेणी में ज़रूर कही जा सकती है। अहमदाबाद, जिसकी वायु की गुणवत्ता 146 दर्ज की गई है, संतोषजनक स्थिति में है ये वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर 146 दर्ज की गई है। वायु की गुणवत्ता के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और मौसम के साथ साथ अब हम पर्यटन का पूर्वानुमान देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का शहर श्रीनगर, सोमवार को बात करें तो बदली छाई रह सकती है, हालांकि धूप खिलेगी। मंगलवार को साफ मौसम दिखाई दे रहा है, जबकि बुधवार और गुरुवार को फिर से बदली छाई रह सकती है, उसी में धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 13 से 16 के बीच बना रहेगा अगले सोमवार से गुरुवार तक, जबकि न्यूनतम तापमान शून्य तक जा सकता है, तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देवभूमि उत्तराखंड के शहर नैनीताल की बात करते हैं, जहां पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक साफ मौसम की संभावना है, धूप खिली रह सकती है। अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 9 और 8 के आसपास बने रहने की संभावना है, तो यहां पर भी मौसम जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। हालांकि ठंडक ज़रूर रहने वाली है, उत्तरी राज्यों की हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज की बात करते हैं, तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक बदली छाई रह सकती है, जिसमें धुंध भी दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30-31 के आसपास बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 15 और 14 के आसपास बने रहने की संभावना है, तो ऐसा यहाँ का पर्यटन पूर्वानुमान। संगम सिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे और अगला शहर देखते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में, राजस्थान का शहर उदयपुर। यहाँ पर देखें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक साफ मौसम की संभावना है, धूप खिली रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान 28 और 26 के बीच में बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 11 और 10। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मौसम जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है इस नीले शहर का। आगे बढ़ते हैं, ओडिशा के शहर पुरी की बात करते हैं। सोमवार को यहाँ पर बदली के साथ साथ धुंध छाई रहने की संभावना, मंगलवार और बुधवार को धूप खिल सकती है बादलों में, हालांकि गुरुवार को मौसम साफ नज़र आ रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31-32 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 24 और 21 के बीच में बना रहेगा, ऐसा यहाँ पर पर्यटन पूर्वानुमान दिखाई दे रहा है इस धार्मिक नगरी पुरी का। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर के इम्फाल की बात करते हैं, जहां पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक ये चारों ही दिन बादलों के साथ साथ धुंध भी दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 से 26 के बीच बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान सोमवार को 19, जबकि मंगलवार को 20 और बुधवार को 16 और गुरुवार को अचानक 25 दिखाई दे रहा है, तो मौसम में बहुत ज़्यादा फेरबदल यहाँ पर हो रहा है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें इम्फाल के लिए। तमिलनाडु के शहर कन्याकुमारी की बात करते हैं, जहाँ पर सोमवार और मंगलवार को बदली छाई रहने की संभावना है, उसी में धूप खिल सकती है, हालांकि बुधवार और गुरुवार को तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32-31 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 25-24 के आसपास बने रहने की संभावना नज़र आ रही है। ये है कन्याकुमारी का पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है महाराष्ट्र का महाबलेश्वर, जहां पर सोमवार को हल्की बदली छाई रह सकती है, जबकि मंगलवार से लेकर गुरुवार तक मौसम साफ बने रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 27-26 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 14 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना है, तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल इस शहर यानी महाबलेश्वर का पर्यटन पूर्वानुमान नज़र आ रहा है, ऐसी संभावना जो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दक्षिण का रुख करते हैं एक बार फिर, केरल के कन्नूर की बात करते हैं, जहां सोमवार से लेकर गुरुवार तक लगातार चारों दिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री पर नियत बना हुआ है, तो ये कहा जा सकता है कि पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम, हालांकि बारिश लगातार बनी हुई है, तो वो एक विषय हो सकता है सोचने का यदि आप कन्नूर जा रहे हैं तो।
आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात करते हैं, यहाँ पर भी सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन लगातार बादल बरसते नजर आ रहे हैं, ऐसी संभावना। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33-34 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 23 और 24 के आसपास बना रहेगा। तो यहाँ पर भी पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। हालांकि बारिश हो रही है लगातार चारों ही दिन, ये देखने वाला जरूर एक विषय है। पर्यटन पूर्वानुमान देखा आपने, अब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं खेती किसानी की। हम यहाँ पर दो राज्यों की बात करने जा रहे हैं जो कि हिमाचल और उत्तराखंड है। हम जानते हैं कि ये जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होता है फसलों के लिए, लेकिन जो आपकी मिट्टी है, जो आपका एरिया है, जो आपका क्षेत्र है, उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसकी भी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में इस समय शलजम, गाजर और मेथी की बुआई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहां गेहूं की भी बुआई कर लें। वहीं हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों में इस समय टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और बैगन की निराई गुड़ाई करें। हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में मटर, मूली, गाजर, शलजम, पालक, मेथी, ब्रोकली और सलाद पत्ता की बुआई करें। इसके साथ ही यहां आलू की रोपाई का काम पूरा कर लें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पालक, मूली, शलजम और धनिया जैसी रबी फसलों की निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही यहां मटर और लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ही गेहूं और जौ की बुआई करते रहें। उत्तराखंड की बात करें तो यहां के भाबर और तराई इलाके में शरद ऋतु में बोए गन्ने की फसल में 25 से 30 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई करें। यहीं इस समय अरहर की कटाई करते रहें। इसके साथ ही किसान प्याज की नर्सरी लगाते रहें। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में जल्दी बोई गई गेहूं की फसल में CRI अवस्था में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां फसलों की बुआई का काम पूरा कर लें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में ही पालक में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। वहीं उत्तराखंड में शीतकालीन गन्ने के बुआई के 25-30 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। यहीं इस समय तौरिया या पीली सरसों में फूल आने पर हल्की सिंचाई करें। तो आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट जो बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त थी। और चूंकि यदि हम हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो दोनों ही राज्य जो है पर्वतीय राज्य हैं, उत्तरी क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर ठंडक भी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो क्लाइमेट है, जो यहाँ पर आर्द्रता है, जो यहाँ पर वातावरण है, उसे भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में ये रिपोर्ट आपकी बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकती है कि कौन सी आप फसल लगाएं और जो आपकी फसलें लगी हुई हैं उनकी कैसे देख रेख करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हम आज की फसल की बात करते हैं। आज की फसल में हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू, जो हमारी थाली का एक अभिन्न अंग है। वो खुद तो सब्जी है ही, बल्कि तमाम और सब्जियों के साथ मिलकर उसका जायका और बढ़ जाता है। केवल दो दक्षिणी राज्यों को छोड़ दें, तमिलनाडु और केरल की यदि बात करें तो यहाँ पर आलू की खेती संभव नहीं है, अन्यथा संपूर्ण भारतवर्ष में आलू की खेती बहुतायत की जाती है। और हम सब जानते हैं कि आलू का हलवा भी बनता है, आलू के चिप्स भी बनते हैं, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो आइए आलू पर आधारित हमारी आज की रिपोर्ट देखते हैं, जो हम आज की फसल में लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है, खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें।
आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। तो ये देखिए आपने आलू पर आधारित हमारी रिपोर्ट, जो कि बहुत ही संक्षिप्त थी, और किस प्रकार से आप आलू की खेती कर सकते हैं, यहाँ तक कि बुआई से पहले आप मिट्टी का जो टेस्ट, जो परीक्षण यहाँ पर बताया गया है, वो कितना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप जिस मिट्टी में, जहाँ पर आप खेती करने जा रहे हैं, वो मिट्टी ही आलू के प्रति अनुकूल ना हो। यदि वो प्रतिकूल हुई तो वहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। बीज का चयन कैसे करें, देखरेख कैसे करें, ये सभी जानकारी आपको हमारी इस संक्षिप्त रिपोर्ट में मिली होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और अब ये मौसम खबर का हमारा जो बुलेटिन है समाप्ति की ओर आ गया है। तमाम आज हमने विषय पर चर्चा की, और आप हमारे ये तमाम जो कार्यक्रम है इन्हें आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारा किसान चैनल जो है YouTube पर भी उपलब्ध है। ये एक QR कोड आपके स्क्रीन पर इस समय नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन कर सकते हैं और सीधे हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं DD किसान चैनल पर YouTube पर। फिलहाल मौसम खबर में आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। श्यामा, श्यामा। हाँ देवा, क्या तुम बच्चों को पढ़ाते हो? अपनी पाठशाला में इसी तरह सोते हो? अरे तुम्हारे हाथों में शिरडी का, समाज का, पूरे देश का भविष्य है। अगर तुम इसी तरह झपकियां लेते रहोगे तो बच्चों के माध्यम से देश का भविष्य कैसे बनाओगे तुम? देखिए साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, प्रतिदिन शाम 6 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र नूर महल जलंधर पंजाब में। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आपको लगता है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से लाभ मिलता है? लाभ तो बहुत मिलेगा। क्या लाभ मिलता है? लाभ एक तो पराली को बेचे मल्च करेंगे तो इसका बहुत लाभ मिलेगा। सुपर सीडर ना बजाने ओदे नाल साडे मित्र कीड़े भी बच गए। मेरा यही संदेश है, जो आग है उसको लगाने से गुरेज करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहले हमारे खुद की सेहत का नुकसान है, और दूसरे नंबर पे जितने भी हमारे जो पंछी हैं या हमारे पशु हैं उनका भी नुकसान जो है वो होता है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा फसल अवशेष प्रबंधन 20 नवंबर सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखिए खोज प्रतिदिन शाम 5 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बाव जिंदगी, बाव जिंदगी, बाव जिंदगी, बाव बाव जिंदगी।
गेटअप थोड़ा बेटर हो, बाव जिंदगी, पर्सनालिटी का जब मैटर हो, बाव जिंदगी, फैशन ही फैशन से भरी, बाव जिंदगी, लाइफ में अपनी स्टाइल हो, बाव जिंदगी, लाइफ में बैलेंस रिदम हो, कलर पैटर्न ब्यूटी और डिजाइन भी, इंप्रेसिव जो स्टाइल हो, बाव जिंदगी, होम इंटीरियर साइड हो, बाव जिंदगी, फैमिली संग हो, आउटिंग भी, बाव जिंदगी, मॉडर्न टाइम्स की लाइफ हो, बाव जिंदगी, बाव जिंदगी। देखिए वाव जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सोमवार शाम 6 से 7 बजे देखिए हेलो किसान, जिसमें हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन की और साथ ही बताएंगे कैसे करें मोटे अनाज का प्रसंस्करण। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपने सवाल रिकॉर्ड कर सकते हैं। होगी मुलाकात सोमवार 6 से 7 बजे हेलो किसान में। श्यामा, श्यामा, हाँ देवा, क्या तुम बच्चों को पढ़ाते हो? अपनी पाठशाला में इसी तरह सोते हो? अरे तुम्हारे हाथों में शिरडी का, समाज का, पूरे देश का भविष्य है। अगर तुम इसी तरह झपकियां लेते रहोगे तो बच्चों के माध्यम से देश का भविष्य कैसे बनाओगे तुम? देखिए साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, प्रतिदिन शाम 6 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखना तू भी एक दिन देश के लिए लड़ेगा, सारा देश तुझे नाश करेगा। बच्चों आप सब लोग सर झुकाकर इनका अभिवादन करोगे तो गर्दन नीचे झुकाओ। स्मिथ ने उस बच्चे को बहुत पीटा पर उसने अपनी गर्दन नहीं झुकाई। वो बच्चा मेरा यार सुखदेव था। पर नहीं तो हमारी मिट्टी, हमारा देश हमें कभी माफ नहीं करेगा। स्वराज में देखिए राजगुरु और सुखदेव की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।